तो नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लकी ब्लॉक वाले मॉड को डाउनलोड कर सकते हो। और इस वाले मॉड में आपको लकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद बहुत सारी ओपी आइटम्स मिलती हैं, या फिर आपको अनलकी आइटम्स भी मिल सकती हैं। कभी कभी तो ब्लॉक तोड़ने के बाद एंडर ड्रैगन भी स्पॉन हो जाता है। कभी तो आपको डायमंड, नेदरराइट, सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या इसमें इस तोड़ने पर मिलता है। तो गाइस, आपको इन ब्लॉक्स को तोड़ के कोई सी भी रैंडम चीज मिल सकती है। वो कोई मॉब भी हो सकता है और वो कोई आइटम भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले गाइस, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे जाके आपको एक MCPDL वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। और इस वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसे कैसे क्राफ्ट करते हैं, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। और मैं इस फाइल की MediaFire डॉक्यूमेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो उसे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे सिंपली ओपन करना है ZR अचीवर से और एक बार बैक कर देना है। और इस फाइल को फाइंड करके इसे रीनेम करना और इसके एंड में जो .zip लिखा है उसे कट कर देना है। और .zip कट करने के बाद आपको सिंपली इस पे एक सिंगल क्लिक करके व्यू वाली एरो पे क्लिक करना है। और अब आपकी माइनक्राफ्ट ओपन होनी शुरू हो जाएगी। और माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और अगर आपको मेरे जैसे टेक्सचर पैक चाहिए ZF क्लाइंट के, तो आप ऊपर आई लिंक वाली वीडियो को क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक रैंडम वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी वैसे अप्लाई हो जाएगा। और आपको अपने बिहेवियर पैक्स में जाके इस वाले को एक्टिवेट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वाला है ये। गाइस, ये फर्स्ट वाला जो आप देख सकते हो, आपको इस वाले को एक्टिवेट कर देना है। और बिहेवियर पैक्स में से एक बार एक्टिवेट करने के बाद ये रिसोर्स पैक्स में भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एक बार अपने गेम की सेटिंग्स में जाना और इसमें जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं सबको ऑन कर देना है। और एक्सपेरिमेंट्स ऑन करने के बाद आपको डायरेक्टली अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। तो गाइस, अब हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। और गाइस, हमें सर्च करने पर कोई सा भी ब्लॉक नहीं मिलता, इसलिए हमें इसे क्राफ्ट करना पड़ेगा। और सारी की सारी क्राफ्टिंग रेसिपी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। और बाकी इसकी सारी जितनी भी वो आपको MCPDL वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको एक क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट कर लेना है। मैं तो क्रिएटिव में, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से ले लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करने के बाद आपको उसे ऐसे प्लेस करने के बाद गोल्ड को कुछ ऐसे प्लेस करना है, जैसे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। गाइस, ऐसे प्लेस करने के बाद गोल्ड को आपको ये लकी ब्लॉक नाम का एक ब्लॉक मिल जाएगा और आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो और इसे तोड़ सकते हो। और इसे तोड़ने के बाद आपको कोई सी भी रैंडम आइटम मिल सकती है, कोई मॉब भी आ सकता है। और गाइस, इसमें और भी कई तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। उसके लिए आपको गोल्ड की जगह डायमंड प्लेस करना होता है, लेकिन बीच में ये वाला लकी ब्लॉक भी प्लेस करना होता है। इसकी भी क्राफ्टिंग रेसिपी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और गाइस, इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी कुछ ऐसी है जैसे कि आप देख सकते हो। और इस ब्लॉक का नाम है डायमंड लकी ब्लॉक। और गाइस, मैं आपको एक बार इसे सर्वाइवल में तोड़ के दिखा देता हूँ कि इससे हमें आइटम्स मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। गाइस, आप देख सकते हो कि एक ही ब्लॉक से हमें कितनी सारी आइटम्स मिल रही हैं। इसकी जगह हमें कोई मॉब वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन ये आपके लक पे डिपेंड करता है। और आप देख सकते हो कि हमें बाकी ब्लॉक से भी बहुत सारी आइटम्स मिल रही हैं। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।